Hello everyone, hope you guys are doing well. This is CA Priya Rane and today is the topic for the students who are studying in class 11th and class 12th. देखो अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है सो यू हैव योर ड्रीम और यू वॉन्ट टू परस्यू सी ए तो आपके बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चन होंगे कि सी ए कब तक होगी, कैसे होता है, क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्या अब हम अभी से पढ़ना शुरू कर दें, अब कोर्स भी चेंज हो गया है तो क्या क्या चेंजेस एप्लीकेबल हैं. सो ऑल द डाउट्स एंड ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर यू हैविंग आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. सो बी विद मी. देखो सबसे पहले कि क्या हम अभी से पढ़ना शुरू कर दें. आप अभी क्लास 11th है, क्लास 12th में आपने कॉमर्स साइड ली होगी तो ऑब्वियसली बहुत से स्टूडेंट्स चाहते होंगे कि हम सीए करें, ठीक है, बट वो ये सोच रहे होंगे क्या हम अभी से पढ़ना शुरू कर दें. सो माय आंसर वुड बी यस, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपेरेशन फ्रॉम नाउ. बट थिंग इज 11th एंड क्लास 12th इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. जो आप जिस वक्त कर रहे हैं उसमें पूरा फोकस डालिए, उसको अच्छे से करिए बिकॉज क्लास 11th एंड क्लास 12th भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर आप इन फ्यूचर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते होंगे हम रेगुलर कॉलेज करें, तो यू नो कि मार्क्स स्कोरिंग इज हाउ इंपॉर्टेंट, यू नो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसकी कट ऑफ्स बहुत ज्यादा जाती हैं, ठीक है. तो इसलिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप डेली बेसिस पे 30 मिनट्स 40 मिनट्स निकाल सकते हैं. जिस दिन आपकी छुट्टी है, यू वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, तब आप कर सकते हैं. आप कहाँ से स्टडी करेंगे मैं आपको बताऊंगी इसका सोर्स, ठीक है. तो येस यू कैन स्टार्ट योर प्रिपेरेशन बट कीप इन माइंड कि 11th एंड 12th क्लास को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है बिकॉज ये आपका बेस है या फाउंडेशन है. आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी, आपके पास बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आए होंगे जो बिल्कुल नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एटसेट्रा. और ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है इट विल गोना रेप्लीकेट टू योर सीए फाउंडेशन. तो ये सीए फाउंडेशन में भी आएंगे आपके सब्जेक्ट्स. तो 11th एंड क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ना है और आप स्टार्ट भी कर सकते हो अपना सीए फाउंडेशन की तैयारी भी. अब आपको क्वेश्चन होगा कि हम कहां से पढ़े, ठीक है. इसके लिए आप क्या करोगे, आप आईसीआई की साइट पे जाओगे, वहां पे स्टूडेंट सेक्शन होता है, देन बीओएस पोर्टल होता है, वहां पे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके अपना लेवल डिसाइड करोगे, दैट इज सीए फाउंडेशन. आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वहां से आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं. देखो हार्ड कॉपी तब मिलती है जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे, ठीक है. अभी आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोई भी जाके उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है. अब आपका क्वेश्चन होगा क्या हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. यस yes. जब आपकी क्लास 10th कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है. लेकिन आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लास 12th के एग्जाम देने के बाद ही लिख सकते हो, ठीक है. तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल बेसिस पे करा सकते हो. एज यू नो कोर्स इज चेंजिंग, कोर्स देखो चेंज होने वाला है, तो इट्स बेटर कि आप रजिस्ट्रेशन तब कराएं जब आपका एग्जाम ड्यू होगा, ठीक है. अभी आप क्लास 11th एंड क्लास 12th में है तो आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एग्जाम में अपेयर होंगे. एंड यू नो आईसीआई इज गोइंग टू चेंज कोर्स एप्लीकेबल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर से तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा. तो इट्स बेटर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले, तो आपको जो हार्ड कॉपीज आएंगी आपकी बुक्स की वो बिल्कुल नई होंगी, सारी अपडेटेड होगी. हाँ, लेकिन मीनवाइल बहुत सारे सब्जेक्ट्स चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है. आई विल अपडेट यू कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स एज इट इज है वो जाके आप प्रेफर कर सकते हैं, और जो सब्जेक्ट्स हटने वाले हैं आप उनको स्टडी मत करिए, ठीक है. तो इस तरह से आप लाइकवाइज स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. अब ऐसे होगा कि आप क्लास 11th एंड 12th के साथ साथ कैसे कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं 11th 12th में उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट रेप्लिकेट हो जाएंगे सीए फाउंडेशन में. फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, इसका अराउंड 70-75% अराउंड 80% आपको बिल्कुल सेम मिलेगा इन योर सीए फाउंडेशन, ठीक है. अब आपका मैथ्स है, उसके अंदर बहुत सारे पोर्शन होते हैं, अराउंड 50% विल गोना सी इन योर सीए फाउंडेशन सब्जेक्ट, ठीक है. इकोनॉमिक्स का भी मेजरली पोर्शन यू विल गोना फाउंड इन सीए फाउंडेशन. तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो आई गए. इंग्लिश, अगेन इंग्लिश भी आपको मिलेगा, जो बहुत सारी चीजें आपको कॉमन दिखेंगी, ठीक है. अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि हमारे पास तो मैथ्स है ही नहीं, तो क्या हम अब सीए नहीं कर सकते. देखो यस, जिसके पास मैथ्स है वेल एंड गुड, उसके पास तो एक प्लस पॉइंट है ही. बट अगर आपको पसंद नहीं था या फिर आपने मैथ्स नहीं ली, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल,
बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं लेते, बट स्टिल दे स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द सीए फाउंडेशन। अगर आपके पास मैथ्स है देन गुड, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स का जो पोर्शन है सिर्फ सीए फाउंडेशन लेवल पे पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से, ठीक है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप क्या करिए, डेली बेसिस पे 30-30 मिनट्स निकाल लीजिए, या फिर वीकेंड्स पे जब भी आप फ्री हैं आईसीआई की साइट पे जाइए, देखिए कौन सा है और आप स्टडी मटेरियल देख के स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन लाइकवाइज, अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आप जब क्लास 11-12 पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि एज अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि यही आपका बेस बनाएगा विद इन सीए फाउंडेशन और 11-12 इन कॉमर्स, ओके। तो आप जितना हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रोविजंस क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जो भी माइंड में आता है कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकते हैं, जस्ट ट्राई, हिट एंड ट्रायल करिए, ठीक है। जितना आप अपना माइंड को यूज कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, इट विल गोना बिल्ड योर बेस, ठीक है, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कॉलेज में जाने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा परसेंटेज चाहिए, बट सीए में इतना परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते होंगे कॉलेजेस में जाना, तो यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्लास 12th। देखो ये अलग क्वेश्चन होगा बच्चों का, क्या हम कॉलेज करें सीए के साथ या ना करें, देखो दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। यस, कॉलेज में ऑब्वियसली जाना इज प्लस पॉइंट, अगर आपको बहुत बेस्ट कॉलेज मिल रहा है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप कॉलेज के साथ ही सीए करिए। ज्यादा आपको 1 ईयर का फर्क पड़ेगा, 6 मंथ का फर्क पड़ेगा, बट यू विल गोना हैव कॉलेज एक्सपीरियंस, तो ये आपको बहुत ज्यादा आपके सीवी को, आपके पर्सनैलिटी को, हर चीज को इंप्रूव करता है, इनहांस करता है। येस, माई सजेशन इज टू यू, येस यू शुड गो टू कॉलेज, यू शुड ज्वाइन द कॉलेज इफ यू आर गेटिंग बेस्ट कॉलेज, ओके। देखो न्यू सिलेबस के अंदर 2 सब्जेक्ट रिमूव हो गए हैं, बीसीके एंड बीसीआर, तो आप उसको मत पढ़िए, बाकी जो सब्जेक्ट्स रिमेनिंग है आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम तो सीबीएसई बोर्ड से नहीं है तो क्या हम सीए में एलिजिबल है या नहीं है। सी, आपने किसी भी बोर्ड से एग्जामिनेशन दिया है, यू आर एलिजिबल फॉर सीए, ठीक है। आपको कॉलेजेस में जाने के लिए तो बहुत ज्यादा परसेंटेज चाहिए होगा, बट सीए में अराउंड 55% चाहिए, बट येस 12th मार्क्स एंड 11th मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप स्टडी करिए, आप अपनी सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बट 11th एंड 12th को जो इंपॉर्टेंस देनी है मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको उसको देना है एंड उसको अच्छे से स्टडी करना है, एंड साथ में साथ इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई जस्ट ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस वेरी स्मॉल वीडियो, ओके, थैंक यू।